हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्टडी विथ मनीष यादव में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। आज इसी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो वो आपके पास चला जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम अभी बहुत कम बचा है। आप लोग तैयारी भी कीजिएगा, 1-2 मंथ बचा है, आप लोग जम के तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा। ठीक है, ये 2021 में पूछा है, फर्स्ट में, एम में। ठीक है, देखिए किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रीन ने। किसने कहा था? ग्रीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। बोल रहा किसने कहा कि राजनीति जो है, मतलब पॉलिटिक्स जो होता है, मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था ये डेविड स्टन ने कहा था। किसने कहा था? डेविड स्टन ने कहा था। किसने कहा था? डेविड स्टन। ठीक है, ये डेविड स्टन कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, प्राचीन युग में राज्य का रूप क्या रूप था। ठीक है, प्राचीन युग में जो है राज्य का क्या रूप था, यह 2021 में पूछा है, फर्स्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नगर राज। क्या? नगर राज। प्राचीन युग में जो है राज का रूप क्या था? नगर राज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, ये भी 2021 में पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, क्या होगा आंसर का? हाब्स को। किसको? हाब्स को। हाब्स को जो है सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। पॉलिटिक्स नामक का पुस्तक का लेखक कौन है। पॉलिटिक्स मतलब जानते हैं राजनीति, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए ये भी 2021 में पूछा है, इसका जो है अरस्तु था। किस कौन था? अरस्तु। अरस्तु को तो आप लोग जानते होंगे, अरस्तु का नाम सुने होंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक था अरस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। किसने कहा था मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो ये जो है थॉमस जेफरसन ने कहा था। किसने कहा था? थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेरियों में जकड़ा हुआ है। मतलब बोल रहा है किसने कहा है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, मनुष्य जो है जन्म से ही स्वतंत्र है, मतलब आज़ाद है, लेकिन वो जो है हर जगह जो है बेरियों में जकड़ा हुआ। बेरी मतलब जानते हैं हाथ में जो करी लगा हुआ रहता है, उसी बोल रहा है बेरियों में जकड़ा हुआ है। ये किसने कहा था? तो ये जो है रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ठीक है, सी।
और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। मतलब ये जो है इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो ये जो है पूंजीवादी समाज जो है, पूंजीवादी समाज ये नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। ये जो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एच जे लास्की, एच जे लास्की है, ठीक है, एच जे लास्की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भौतिक समानता का अर्थ है, भौतिक समानता का अर्थ है, भौतिक समानता का अर्थ क्या है। विवरणात्मक समानता, वितरणात्मक समानता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी, बी नंबर, मार्क्सवादी बी नंबर हो जाएगा, मार्क्सवादी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य कभी सुरक्षा नहीं हो सकती है। किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसने मनुष्य कभी सुरक्षा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स ने कहा था। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, करा अधिकारों की सामाजिक जो है उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो एच जे लास्की ने किया था, एच जे लास्की ने किया था, एच जे लास्की ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में चिन्हित है, ठीक है। बोल रहा है अधिग्रहण युक्त जो है व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है, तो हॉब्स हॉब्स व लॉक के चिंतन में, हॉब्स व लॉक के चिंतन में निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक नागरिक जो है गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया, अरस्तु ने किया था, किसने किया था, अरस्तु ने किया था, अरस्तु ने किया था, ठीक है। ऑप्शन ए, अरस्तु ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध जो है प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया था, जुर्गेन हेवर मास ने, जुर्गेन हेवर मास ने, जुर्गेन हेवर मास ने, ऑप्शन ए इज राइट, ये जुर्गेन हेवर मास जो है यही क्या था प्रतिपादित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, किसने कहा कि धर्म जो है लोगों के लिए अफीम है, ये किसने कहा था बताइए, आप लोग कमेंट में टाइम देते हैं। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, तो आंसर सी हो जाएगा, मार्क्स ने कहा था, किसने कहा था, मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है लोगों के लिए अफीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि शांति जो है कायरों का सपना है, मतलब कायर मतलब निडर, किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है, किसने कहा था,
हिटलर ने कहा था कि शांति जो है कायरों का सपना है। हिटलर ने क्या कहा था? शांति कायरों का सपना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुए? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुई? ये जो 2012 और 19 में पूछा था, इस बार भी पूछने का चांस है, तो आप लोग देख लीजिए। क्यूबा संकट जो है किस वर्ष उत्पन्न हुए थे? क्यूबा संकट जो है वर्ष 1962 में उत्पन्न हुए थे। कब उत्पन्न हुए थे? वर्ष 1962 में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो चलिए आज 20 क्वेश्चन हो गया है, 20 को आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है 20 मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो चलिए आज के लिए बाय, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही वीडियो आते रहेगा, अब डेली पोस्ट होगा वीडियो। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।